सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव राजपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब सड़क पर चल रही एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वहीं आग लगने के बाद चलती कार से चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सड़क पर चल रही कार आग का गोला बन गई। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के छोटू राम चौक पर रहने वाले आशीष, जो कुंडली में प्राइवेट जॉब करते हैं, पानीपत में दोस्त की पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे और देर रात वो वापस सोनीपत आ रहे थे। आशीष के पास टाटा कार थी, लेकिन जैसे ही वो गांव राजपुर के पास पहुंचे तो कार में अचानक आग लग गई। आशीष ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाँ, गाड़ी में आग लगी थी राजपुर के पास, जो कि मौके पर हम सूचना मिली। सूचना मिलते हमने तुरंत गाड़ी निकाले, स्टाफ सहित जाकर उस आग बुझाई। आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी थी, लेकिन किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि पूर्ण रूप से आग बुझ चुकी। कौन सी गाड़ी थी जी? ये टाटा की थी।